हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन पर। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को दो क्रॉस दो ऑर्डर के आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह याद करना बताया था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से। और आज की क्लास में आप लोगों को हम तीन क्रॉस तीन ऑर्डर के आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह याद करना बताएंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी और आज की क्लास में भी मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। बस ज़्यादा नहीं, आप 15 मिनट पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अपने टाइम को लॉस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आव्यूह दिया गया उसको ए के बराबर मान लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है माना ए इक्वल टू आई इंटू में ए, ये समीकरण आपको लिखनी है। यहाँ पर ए यानी जो आव्यूह है आपका उसको आप नोट कीजिए, यहाँ पर 20-1 51-0013 इक्वल टू आइडेंटी मैट्रिक्स आपको यहाँ पर लिखना है। तत्समक आव्यूह जिसको इकाई आव्यूह बोलते हैं, जिसके बिकर के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो वन होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आव्यूह वो तीन क्रॉस तीन ऑर्डर का है, इसलिए जो इकाई आव्यूह लिखा जाएगा वो भी तीन क्रॉस तीन ऑर्डर का ही लिखा जाएगा और इंटू में ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपको इस आव्यूह को आइडेंटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, संक्रियाओं के माध्यम से। तो आप कौन से स्टेप हैं जिनको आपको करना है, मतलब सीरियल से स्टेप आप जरूर समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर के एलिमेंट को देखना है, फिर यहाँ पर के एलिमेंट को देखना है दूसरे नंबर, फिर यहाँ पर तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में यहाँ पर, पांचवें स्टेप में यहाँ के एलिमेंट को, और उसके बाद छठवें स्टेप में ये वाला एलिमेंट, फिर सातवें स्टेप में ये वाला, आठवें स्टेप में ये वाला, फिर नौवें स्टेप में ये वाला एलिमेंट। कुल मिला के यहाँ से चलना है, पहले इस पर संक्रिया लगानी है, फिर इस पर, 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 इस पर, इस पर, फिर इस पर, तब जाके आप जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना पाओगे। और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कभी गलत होने वाला नहीं। इस फिगर को अपने दिमाग में रखिएगा बस, यानी यहाँ वाले एलिमेंट को आपको क्या बनाना है, वन, और यहाँ वन, यहाँ पर वन, यानी बिकड़ के एलिमेंट क्या होंगे, वन वन होंगे, और बाकी एलिमेंट को आपको शून्य बनाना है। ये दिमाग में आप बात रख लीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर वन बनाना है, टू है, तो वन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को हम किससे डिवाइड कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, यानी आर वन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे आर वन डिवाइड बाई टू से, तो ये वन बन जाएगा, यानी स्टेप नंबर वन हमारा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 10-1/2 51-0013 और इक्वल टू, यहाँ पर भी आर वन में हम टू से डिवाइड करेंगे क्योंकि आर वन की वैल्यू फाइंड करें, आर वन डिवाइड बाई टू, 1/2 0-0-0-1-0-0-0-1 और इंटू में आपका हो जाएगा ए। इतनी बात समझ में आ गई, पहला स्टेप आपका पूर्ण हुआ। दूसरे स्टेप में यहाँ वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है, यहाँ पर फाइव है इसको जीरो बनाना है, तो आप आर टू की वैल्यू फाइंड करोगे क्योंकि यहाँ पर ये जो फाइव है ये आर टू में पड़ रहा है, तो आर टू की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आर टू डिवाइड फाइव से अगर हम डिवाइड करें फाइव तभी हमारा जीरो आएगा। तो आर वन में अगर फाइव से गुणा कर दें, वन है ना, तो और फाइव से फाइव जो है घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यानी फाइव इंटू आर वन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 10-1/2, आप R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो R1 और R3 में आपको कुछ नहीं करना है, उसको पहले आप वैसे नोट कर लीजिए R1 और R3, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। फिर 0-0-1 उसके बाद आप R2 लिखिए, देखिए R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो R2-5 × R1, 5 और -5 × 1 यानी ये आपका 0 हो जाएगा। R2 के स्थान पर 1 और माइनस का 5 इंटू में R1 की वैल्यू 0 यानी ये आपका हो जाएगा 1 और उसके बाद यहाँ पर आइए, आप जीरो से माइनस करोगे 5 इंटू में आर वन की वैल्यू -1/2 तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 यानी ये आपका हो जाएगा 5/2। आई बात समझे, फिर यहाँ पर आएंगे इस स्टेप पर, यहाँ पर देखिए यही संक्रिया लगाएंगे, आर टू, आर टू के स्थान पर यहाँ कितना है भाई, 0, 0 से 5 इंटू 1/2 यानी ये माइनस का 5/2 हो जाएगा। आर टू के स्थान पर 1, 1 से 0 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, आर टू के स्थान पर 0, 0, 0 जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपकी संक्रिया नंबर 2 हो गई। अब देखिए यानी स्टेप नंबर 2 आपका पूर्ण हुआ। फिर तीसरे स्टेप पर आना, यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को आपको 0 बनाना है, तो ये वाला एलिमेंट पहले से ही आपका 0 है,
तो तीसरे वाले स्टेप को हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये जीरो बना हुआ है। फिर चौथे स्टेप में यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हमें वन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर गए, ये भी वन बना हुआ है, यानी इस स्टेप को भी संक्रिया के माध्यम से हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेप भी हमारा पूर्ण हुआ। फिर आते हैं इस स्टेप पर, यहाँ वाले स्टेप को हमें जीरो बनाना है, यानी इस वाले अंक को हमें जीरो बनाना है। तो अब यहाँ पर कौन सी संक्रिया लगाएं, अगर इस वन से वन को घटाएंगे तो ये आपका जीरो बन जाएगा, यानी हम R3 से R2 को माइनस कर दें। देखिए यहाँ पर R3 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, R3 माइनस R2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें R3 की वैल्यू फाइंड करना है, तो R1 R2 में तो कोई आपका परिवर्तन होगा नहीं, उसको वैसे नोट कर लीजिए, 10 माइनस 1/2 और 01, फिर 5/2 और इस बंद कर दीजिए। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पर रफ कर रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2 R3 की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो R3 से R2 को घटा के। तो देखिए 0 से 0 घटाओगे 0 हो जाएगा, 1 से 1 को घटाओगे 0 हो जाएगा, 3 से आपको 5/2 घटाना है, 6 से 5 जाएगा 1/2 बच जाएगा, तो 1/2 लिख दीजिए। बिल्कुल यहाँ पर भी यही स्टेप अपनाना है, तो 0 से आप 5/2 घटाओगे तो प्लस का 5/2 हो जाएगा, रख के देख लीजिए, 0 से 1 घटाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 0 घटाओगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये आपका पूर्ण हुआ ये स्टेप भी। फिर आप इधर बढ़े थे और इसको आपको 1 बनाना है, है ना, इसको आपको 1 ही तो बनाना, बिगड़ के सारे एलिमेंट 1 बनाने, तो इसको 1 बनाना, यानी R3 में आप क्या कीजिए, R3 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी R3 × 2, तो देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 1/2 01 5/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू देखिए ये 1/2 माइनस 5/2 10, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 हो जाएगा, है ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, इनटू में ए। ये स्टेप भी आपका पूर्ण हुआ। फिर आप देखिए ऐसे चले, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ पर आते हो, इसको जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना, अगर 5/2 को जीरो बनाना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमें देखिए 5/2 को जीरो बनाना है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, R2 की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि R2 में 5/2 है, उसी को जीरो बनाना है, तो R2 से अगर हम माइनस कर दें, इसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें, कि इसको R3 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको R2 से माइनस कर दें, तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, देखिए आप R1 से करोगे तो ये अंक आपका थोड़ा सा बदल जाएगा, और आपको अंक नहीं बदलना है, ना तो मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0-0 हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल इसी में चेंजेस आएगा, आप करके देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 1/2, आप R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो R1 और R3 में भाई कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको पहले वैसे नोट कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 10 5 माइनस 2 और इनटू में ए हो जाएगा। अब R2 की वैल्यू फाइंड करके देख लीजिए आप, R2 यानी 0 से आप माइनस करोगे 5 × R3, ये आपका 0 ही रहेगा, 1 से आप माइनस करोगे 5/2 × 0 यानी 1 ही रहेगा, इसको इससे माइनस करके आप देख लीजिए 5/2 लिखोगे और माइनस का 5/2 × R3 की वैल्यू 1 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी ये आपका यहाँ पर 0 बन जाएगा। यही काम आपको यहाँ पर भी करना है, R2 की वैल्यू है माइनस का 5/2 और माइनस 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे किसको, R3 के स्थान पर 5 है, तो ये आपका हो जाएगा। इतना तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। अब यही स्टेप यहाँ पर भी लगाना है, R2 के स्थान पर भाई 1 और देखिए 1 हो गया माइनस 5/2 × R3 के स्थान पर कितना है आपका माइनस 2, तो ये प्लस का इंटू में 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। ये स्टेप यहाँ पर लगाइए, तो देखिए R2 के स्थान पर आपका हो जाएगा 0 और माइनस का 5/2 × R3 के स्थान पर 2, तो ये देखिए आपका माइनस का 5 हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना आप लोगों ने कर लिया, यानी ये स्टेप से ये स्टेप यहाँ तक आ गए हम। अब इस स्टेप को हम यहाँ पर क्या करना है, जीरो बनाना, ये तो पहले से जीरो बना, तो इसको हमें जीरो बनाना है, इस एलिमेंट को। इसको जीरो बनाने के लिए हम करेंगे क्या, R3 से ही थोड़ा सा मैच करेंगे हम, अगर इसमें हम 1/2 से क्या करें, गुणा करें और इसमें जोड़ दें, तो ये काम हो सकता है। यानी हम R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, R1 है ना, और प्लस R3 से, और R3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1/2 से, तभी तो ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 जीरो होगा,
तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब इस स्टेप को यहाँ पर हम करेंगे तो इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। देखिए भाई हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर R1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो R1 को ही चेंज करेंगे, बाकी वैसे लिख दीजिए 10001 इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस का 15/6 माइनस 5 माइनस 2 और 2 और इनटू में आपका ए हो जाएगा। R1 में हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, R1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, R1 प्लस का R3 इनटू में 1/2, तो R1 यानी 1 और प्लस का R3 इनटू 0 ये आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, R1 0 प्लस का 0 इनटू 1/2 ये आपका 0 ही रहेगा, और माइनस 1/2 और इनटू में प्लस का 1/2 ये आपका हो जाएगा 0, ठीक। अब यही संक्रिया हम यहाँ पर भी लगाएंगे, तो देखिए R1 के स्थान पर 1/2 प्लस का R3 के स्थान पर 5 और इनटू में 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6/2 यानी ये आपका आ जाएगा 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, है ना। अब देखिए यहाँ पर तो R1 के स्थान पर 0 और प्लस R3 की वैल्यू है 2 इंटू 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1। सॉल्व करके आप देख सकते हो R1 के स्थान पर 0 और प्लस का R3 के स्थान पर 2 इंटू में 1/2 यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए यहाँ पर इंटू में तो इसकी तुलना करेंगे, I इक्वल टू ये आपका है A इनवर्स इंटू में A के रूप का, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें A इनवर्स की वैल्यू मिल गई भाई। A इनवर्स की वैल्यू कितनी मिल गई, A इनवर्स के स्थान पर ये चीज़ है, A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 3-1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 माइनस का 2 और इनटू में ए, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपको दिया गया था इसका हमने प्रतिलोम आप भी यहाँ पर ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को तरीका पता हो गया होगा कि 3x3 ऑर्डर के आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।